ऐसे ही फॉर्मेट मेन्यू में एक ऑप्शन है आपका बैकग्राउंड ऑप्शन, जिसके द्वारा जो भी आप बना रहे हो एमएस वर्ड में उसमें बहुत प्रकार से बैकग्राउंड लगा सकते हैं, उसकी डिजाइन दे सकते हैं। तो उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं। बैकग्राउंड में जाएंगे, उसके बाद ये आपको सब ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें हम जो भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया रेड, तो पूरे बैकग्राउंड में जो है रेड कलर यहाँ पर हो जाएगा। देखो जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें हमारा रेड कलर आ जाएगा। फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, मान लीजिए येलो कर दिया तो इस तरीके से येलो कलर आ गया। तो अगर पूरे बैकग्राउंड में कलर करना है हमको एक साथ, तो उसके लिए हम फॉर्मेट में बैकग्राउंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मोर कलर में फिर वैसे ही आ गया, यहां से कलर सिलेक्ट कर लो या कस्टम में जाकर के कलर को बना लो, है ना, और उसके बाद यहाँ पर ओके करना है तो वैसा कलर पूरे बैकग्राउंड में लग जाएगा। फिर से फॉर्मेट में गए, बैकग्राउंड में गए, फिल इफेक्ट, ये फिल इफेक्ट आ गया जो ऑटो शेप वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जिसमें कि हम कलर वगैरह देना सीखे थे, उसमें ये फिल इफेक्ट भी बिल्कुल वैसा ही था। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। इसमें चार टैब दी गई है, ग्रेडियंट टैब है, टेक्सचर टैब है, पैटर्न है और पिक्चर है। चारों का क्या यूज है? ग्रेडियंट टैब, ग्रेडियंट टैब इस तरीके से दो कलर को देगी। जैसे अभी यहाँ पर अगर सिंपल कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते हम, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ग्रेडियंट अलग अलग प्रकार की यहाँ पर डिजाइन दिखाई दे रही है, है ना। इस चार में से कोई भी एक को सिलेक्ट कर लो, ओके कर लो, तो ग्रेडियंट का अर्थ ये होता है कि ऊपर लाइट कलर है, बीच में थोड़ा सा डार्क कलर है ब्लैक, फिर नीचे डार्क कलर, मतलब अलग अलग कलर आपको पेज में दिखाई देगा, पूरे पेज में एक सा कलर दिखाई नहीं देगा। फिर से फॉर्मेट में गए, बैकग्राउंड में गए, फिल इफेक्ट में, और यहां से इतनी सारी स्टाइल है, वर्टिकल में ऐसा दिखेगा, डायगोनल अप में इस तरीके से दिखेगा, डायगोनल डाउन में ऐसा दिखेगा, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, इस प्रकार से जो है सारी चीजें दिखाई देंगी। कोई भी हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ओके कर दिया, उस तरीके से ग्रेडियंट जो है इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे करके जो दो कलर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। फिर से फॉर्मेट में गए, बैकग्राउंड में गए, फिल इफेक्ट में आप देखोगे जो भी आप ग्रेडियंट ले रहे हो उसको जो है लाइट और डार्क भी यहां से हम कर सकते हैं। ये डार्क और लाइट है, डार्क ज्यादा तरफ जाएंगे तो जो डार्क वाला भाग है वो और डार्क होगा। ये देखो इस तरफ हमने आए तो और डार्क हो गया। अब यहां से जो भी शेडिंग स्टाइल लेना है वो ले लो, ओके कर दो, इस प्रकार से ही आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमने और इसमें लाइट कर दिया, इस तरफ लाइट वाले भाग में लेके गए तो ये और लाइट हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर टू कलर है तो टू कलर में दोनों कलर आप चुन सकते हो ग्रेडियंट के लिए। एक हमने येलो ले लिया और एक मान लीजिए रेड ले लिया, तो ये येलो और रेड से अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग ग्रेडियंट बना रहा है। डायगोनल अप में अलग स्टाइल आ गई, डायगोनल डाउन में अलग स्टाइल आ गई, फ्रॉम कॉर्नर में अलग स्टाइल आ गई, फ्रॉम सेंटर में अलग अलग स्टाइल आ गई। जैसी स्टाइल चाहिए है वैसा सेलेक्ट कर लीजिए, ओके करना है, तो इस तरीके से ग्रेडियंट इसमें आ जाएगा। और भी इसमें ग्रेडियंट में स्टाइल दी गई है, फिल इफेक्ट, और उसके लिए हमको जाना है यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पे प्रीसेट में। प्रीसेट में डायरेक्ट नाम दिए गए हैं, है ना, डायरेक्ट नाम दिए गए हैं, उन नाम को आप सेलेक्ट करेंगे तो डिजाइन बनी हुई मिलेंगी, बस आप उसमें केवल शेडिंग स्टाइल को इस्तेमाल कर सकते हो। शेडिंग स्टाइल को इस्तेमाल करना है और उसके बाद ओके कर देना, वैसी स्टाइल जो है बैकग्राउंड में पीछे आ जाएगी। तो जैसी जरूरत है, जो अच्छा लगे डिजाइन में, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर, वो सब हमको अपने से सोचना है कि क्या बैकग्राउंड का कलर अच्छा लगेगा, क्या टेक्स्ट का कलर अच्छा लगेगा, कैसा डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, ये सब हमको खुद सोचना है, ये हमारी क्रिएटिविटी है। यहाँ पर केवल ऑप्शन बताए जाते हैं, आपको दिमाग खुद का लगाना है कि अगर पीछे लाइट बैकग्राउंड है तो डार्क अच्छा लगेगा, पीछे डार्क बैकग्राउंड है तो लाइट जो है उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ अच्छा लगेगा या इमेज है वो अच्छी लगेगी, है ना। तो ये हमको चुनना है और धीरे धीरे बनाते बनाते डिजाइन सब चीजें भी समझ में आ जाती है कि कैसा जो है डिजाइन होना चाहिए। फिर फिल इफेक्ट में गए। अब उसके बाद देखिए दूसरा टैब है टेक्सचर। बहुत सारे टेक्सचर मिलेंगे अलग अलग डिजाइन से टेक्सचर की, ओके कर दोगे पूरे बैकग्राउंड में वैसा टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा, है ना। फिर से फॉर्मेट में गए, बैकग्राउंड में गए, फिल इफेक्ट में गए, टेक्सचर के बाद है पैटर्न। पैटर्न इतने सारे डिजाइन दिए गए हैं, कोई भी पैटर्न चुन लेना है और पैटर्न को हम, पैटर्न का फोरग्राउंड और पैटर्न का जो है ये बैकग्राउंड कलर भी हम जो है
सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कोई भी कलर चुन लो, ओके कर दो, इस तरीके से पूरा बैकग्राउंड का कलर वैसा हो जाएगा। तो ये कहाँ से आया था, फॉर्मेट में आया था, बैकग्राउंड में आया था, फिल इफेक्ट ऑप्शन से यहाँ पर आ गया था ये। और पैटर्न के बाद दिया गया पिक्चर, पूरे बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगानी है मान लो, है ना, उसके लिए पिक्चर में जाइए, सिलेक्ट पिक्चर में जाना है और जहां भी पिक्चर हो आपकी उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लो। ये माय डॉक्यूमेंट में माय पिक्चर फोल्डर होगा, उसमें आपको पिक्चर मिल जाएंगी, उसके बाद इंसर्ट कर देना है, ओके कर देना है, पूरे बैकग्राउंड में आप पिक्चर जो है लग जाएगी, है ना। पहले से आप पिक्चर बना लो, कोई ऐसी पिक्चर है जो आपको पीछे लगाना है, वाटरमार्क है कंपनी का, लोगो है, तो उसको नेट से भी निकाल सकते हो, बना सकते हो, फोटोशॉप में जाके एडिट कर सकते हो उसको, और थोड़ा सा ब्राइटनेस कंट्रास्ट उसकी कम कर सकते हो, या मोबाइल से खींची गई फोटो है उसको मोबाइल में भी एडिट कर सकते हो, और फिर इसमें सेव करके उस बैकग्राउंड को हम अपने एमएस वर्ड के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, है ना। तो ये सारे ऑप्शन कहाँ से आ रहे हैं, फिल इफेक्ट से हमने देखे। मान लीजिए सब कुछ हटाना है, अब हमने जो भी बैकग्राउंड इस पे लगाया हुआ है एमएस वर्ड में, पिक्चर लगाया है, कलर में जो भी लगाया उसको हटाना है, तो उसके लिए क्या कर देंगे, सीधे फॉर्मेट में, बैकग्राउंड में और नो फिल, नो फिल ऑप्शन में जैसे ही करोगे तो सारे बैकग्राउंड उसके हट जाएंगे, कलर हट जाएगा, इमेज हट जाएगी, सारी चीजें हट जाएंगी। कहां से, जब हम इसमें क्लिक कर देंगे नो फिल में। बैकग्राउंड में तीसरा ऑप्शन दिया गया है देखो, प्रिंटेड वाटर मार्क। जब कभी आप अपना कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, नोट्स वगैरह में देखा होगा पीछे की तरफ इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है, वो कहलाता है वाटर मार्क। तो किस तरीके से वाटर मार्क लगाएंगे हम डॉक्यूमेंट में वो देखेंगे। तो अभी सिलेक्ट है नो वाटर मार्क, मतलब कोई वाटर मार्क नहीं लगा है। अब इसके बाद यदि कोई पिक्चर वाटर मार्क लगाना है, कई लोग जैसे लोगो लगा हुआ होता है, आप मार्कशीट वगैरह देखते हो 10th की 12th की, उसके पीछे एमपी बोर्ड का लोगो लगा हुआ होता है धुंधला सा, है ना। कोई भी विजिटिंग कार्ड देखोगे, आधार कार्ड वगैरह देखोगे, उसके पीछे भी लोगो वगैरह लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, वाटर मार्क कहलाती है। उसको लगाना है हमको, पिक्चर वाटर मार्क सिलेक्ट किया, सिलेक्ट पिक्चर में गए, जो भी हमको पिक्चर के रूप में सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लो। मान लीजिए हम डेस्कटॉप में जाकर के कोई वाटर मार्क सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरीके से हमने वाटर मार्क सिलेक्ट कर लिया, ये कमेंट इंसर्ट में क्लिक किया, अप्लाई कर दिया, और उसके बाद इसको कर दिया हमने क्लोज। तो अब आप देखोगे इमेज होगी जो पीछे दिखाई दे रहा है धुंधला सा, ये सिस्टम में आपको जब करोगे तो और अच्छे से दिखाई देगा। पीछे इसमें क्या लग गया, एक वाटर मार्क सा इमेज, ये देखिए एक वाटर मार्क सी इमेज जो है पीछे बैकग्राउंड में लग जाएगी, जो कि कहीं भी मूव नहीं होगी, इसको क्या बोलेंगे, वाटर मार्क। इसलिए ये धुंधला सा दिखाई दे रहा है, जो भी टाइप करोगे तो इसके ऊपर जो है वो टाइप होगा। अब मान लीजिए इसको हमको थोड़ा सा चेंज करना है और इसको हमको थोड़ा सा डार्क करना है, तो वॉश आउट वाला जो चेक बॉक्स है उसको हमको अनचेक कर देना है। ये देखो वाटर मार्क और डार्क दिखाई देगा, तो वॉश आउट को हमने अनचेक कर दिया, तो वाटर मार्क और क्लियर यहाँ पर आ गया। अब जैसे इमेज बहुत बड़ी है, हमको छोटी इमेज करना है, उसकी स्केलिंग को छोटा करना है, बहुत बड़ा इसमें दिखाई दे रहा है, तो फिर से वही बैकग्राउंड में वाटर मार्क में ये स्केल दिया गया है, स्केल को जाके आप जो है 50% कर दीजिए, तो जितनी इमेज थी उसकी वो 50% बस रह जाएगी। ये देखिए तो साइज इसका स्केल हो जाएगा, और थोड़ा बड़ा करना है और थोड़ा बड़ा भी हम कर सकते हैं। अब इसके अलावा वाटर मार्क में मान लीजिए हम टेक्स्ट देना चाहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, अगर आप कुछ इसमें प्री डिफाइंड टेक्स्ट है, बने हुए टेक्स्ट है, देखो डू नॉट कॉपी, कई लोग कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कॉपी राइट है, आप चाहते हो उसको कोई कॉपी ना करे, तो उसमें आप पीछे डू नॉट कॉपी का वाटर मार्क लगा सकते हो, या कॉन्फिडेंशियल कोई फाइल है तो इस तरीके से हमने उसमें कॉन्फिडेंशियल लगा दिया। और जो भी टेक्स्ट आप लगा रहे हो यहाँ पर बना हुआ है उसका फॉन्ट भी बदल सकते हैं, है ना, इतनी सारी फॉन्ट है जो आप इसमें इस्तेमाल करते थे, कोई भी फॉन्ट आप लगा दो। उसके बाद उसकी जो साइज है उसको कैसा रखना है, उसका कलर तो नहीं बदलना है, कलर बदल दो, है ना। और जैसे हम अप्लाई करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है इसके पीछे ये दिखाई देगा, ये देखिए कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, इसको कहते हैं क्या, वाटर मार्क। वाटर मार्क को मान लो सीधा दिखाना है, फॉर्मेट, बैकग्राउंड, प्रिंटेड वाटर मार्क, और डायगोनल की जगह कर दिया हमने इसको हॉरिजॉन्टल, और सेमी ट्रांसपेरेंट को भी इस बार हटा देते हैं, अप्लाई करते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो देखो सेमी ट्रांसपेरेंट में थोड़ा सा और धुंधला सा दिखाई देता है, और सेमी ट्रांसपेरेंट को हटा देते हैं तो और ये डार्क हो जाता है। तो जैसी जरूरत हो वैसे हम ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अब हमको खुद का कोई टेक्स्ट टाइप करना है, हमको इस टेक्स्ट की जरूरत नहीं है जो इसमें दिए गए हैं,
तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सीधे आप जाकर के यहाँ पर उस टेक्स्ट को टाइप कर दीजिए जिस टेक्स्ट को आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया DCA फर्स्ट सेम PC पैकेज, इस प्रकार से हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब जैसा आपको फॉन्ट देना फॉन्ट दे दो, साइज और बड़ा करना है साइज और बड़ा कर लेते हैं, 90 अप्लाई कर देते हैं। तो ये इस तरीके से डायगोनल देना है डायगोनल दे दो, अप्लाई कर दो, है ना। जैसी जरूरत हो वैसा हम इसका वाटर मार्क अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। तो ये हर पेज में जो है ऑटोमेटिक आते जाएगा, ये देखो हर पेज में ऑटोमेटिक आते जा रहा है। जैसा आपने फॉन्ट लिया है, जो कलर लिया है, जैसी उसकी स्टाइल चुनी है, वैसा हमने वाटर मार्क लगाना यहाँ पर सीख लिया। तो ये किसके द्वारा आता है, वाटर मार्क ऑप्शन के द्वारा ये चीजें आती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि MS Word डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में कैसा काम करते हैं, बैकग्राउंड का कलर देना, बैकग्राउंड में अलग अलग प्रकार के ग्रेडियंट कलर देना, और बैकग्राउंड में ही वाटर मार्क देना।